अरे अरे गाइस, ये देखो सामने ब्लू टाइटन हल्क गॉड, पिंक टाइटन हल्क गॉड, रेड टाइटन हल्क गॉड, गोल्डन हल्क टाइटन गॉड, ग्रीन हल्क टाइटन गॉड। तुम सोच रहे होंगे सारे टाइटन गॉड कभी एक साथ कभी मिलने नहीं आते, यहाँ पे ये लोग सब जन साथ में कैसे आ गए? तो गाइस देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यहाँ पे है ना टोनी स्टार्क की आज बर्थडे पार्टी है, बल्ले बल्ले हो रही है। इसके लिए टोनी स्टार्क जो अवेंजर्स का लीडर है, उन्होंने सब लोगों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। ये देखो यार, यहाँ पे इतने सारे टाइटन गॉड्स भी है। अरे ये कीड़ा फ्रैंकलिन क्यों आ गया, अब ये सारा केक खा जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई थोड़ा सा भी केक नहीं खाऊंगा। गाइस ये देखो, यहाँ पे टोनी स्टार्क तो यहाँ पे नाच ही रहा है, यहाँ पे है ना स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स की टीम से, हल्क और थॉर भी यहाँ पे है, और उसके साथ साथ जो सारे नए अवेंजर्स है वो भी है, जैसे शिनचैन, छोटा भीम, लिटिल सिंघम, यहाँ पे है ना फ्लाइंग जेट, बल्ले बल्ले क्रिश, और ये वाले दत्तू हल्क भी है। और यहाँ पे देखो, मुझे मस्त खबर मिली है कि तुम्हें पता है ना गाइस, जैसे अपने कोई बर्थडे में जाते तो अपने बर्थडे में गिफ्ट देते तो अपने को रिटर्न गिफ्ट मिलता है, तो यहाँ पे मैंने सुना टोनी स्टार्क है ना सब लोगों को रिटर्न गिफ्ट में बहुत ही तगड़े आयरन मैन के हल्क बस्टर के सूट देने वाला है। इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी चला जाऊँ यहाँ पे पार्टी में। चलो यहाँ पे पहुंचते, चलो जल्दी से जाके पहले टोनी स्टार्क का हैप्पी बर्थडे बोलते। अरे टोनी भैया हैप्पी बर्थडे। अरे वेलकम वेलकम फ्रैंकलिन, थैंक यू थैंक यू। अरे वेलकम नहीं, थैंक यू। तो गाइस देखो यार, टोनी स्टार्क को ना तुम सब भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और हैप्पी बर्थडे तो टोनी लिख दो, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना। अरे हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे आयरन मैन लिखो भाई, हैप्पी बर्थडे है मेरा। तो पिंकी बेटा, टोनी स्टार्क के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए तुम? अरे गिफ्ट, मैं टोनी स्टार्क को क्या गिफ्ट दे सकता हूँ यार, टोनी स्टार्क का घर देखो, इतना बड़ा मालिबू मैंशन है यार, इतना बड़ा अवेंजर्स का हेडक्वार्टर्स है, टोनी स्टार्क के पास तो सब कुछ है यार, मेरे को थोड़ी पता था इसके लिए भी गिफ्ट लाना होगा। अरे क्या फ्रैंकलिन यार, मैं अमीर हूँ तो क्या मुझे गिफ्ट अच्छे नहीं लगते क्या? अरे हाँ गाइस, बात तो सही है, अभी टोनी अमीर है फिर भी गिफ्ट तो मेरे को लेकर आना चाहिए था। कोई बात नहीं टोनी भैया, एक काम करो यार, मैं गिफ्ट तो नहीं लेकर आया, ये लिफाफा ले रहो, इसके ले लो, इसके अंदर 100 रुपए रखे हुए। अरे फ्रैंकलिन यार, 100 रुपए के लिफाफा का मैं क्या करूंगा, तू मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया। अरे यार कोई बात नहीं यार, टोनी भैया छोड़ दो यार, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अरे ये फ्रैंकलिन कीड़ा कंजूस है, इसको गिफ्ट नहीं लाना होगा, अब इसको ना रिटर्न गिफ्ट मत लेना। हाँ इसको रिटर्न गिफ्ट मत देना। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला भाई ने, रिटर्न गिफ्ट मत देना। अरे क्यों रिटर्न गिफ्ट नहीं देना, तू गिफ्ट नहीं लेकर आया तो रिटर्न गिफ्ट क्यों मिलेगा, सही बोला ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, फ्रैंकलिन को रिटर्न गिफ्ट मत देना। अरे नहीं नहीं, रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। अरे फ्रैंकलिन क्या तू बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट के लिए आया है? अरे नहीं 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 गाइस देखो, अभी मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, केक के पास खाने की बात करते, फिर यार जब दूसरे लोगों को गिफ्ट मिल रहा होगा तब मैं भी एक चुपचाप ले लूंगा, किसको क्या ही पता चलेगा। अरे तो सब जन यार यहाँ पे मेरी बर्थडे पार्टी में आए और मेरे लिए अलग अलग तरह के गिफ्ट लाए, उसके लिए वेरी मच थैंक यू। शिनचैन, छोटा भीम और लिटिल सिंघम, तुम लोग यार बहुत अच्छे अच्छे मेरे लिए प्यारे गिफ्ट लेकर आए। इसके लिए देखो, मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखो शिनचैन, तुम्हारे लिए सबसे पहले गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं, ये टॉय हल्क बस्टर का सूट। अरे वाह, टॉय हल्क बस्टर का सूट, अरे बाप रे, मैं तो एक्साइटमेंट में नीचे गिर गया। गाइस ये देखो, शिनचैन को तो कितना मस्त हल्क बस्टर का सूट मिला है। अरे हाँ शिनचैन के लिए तो बहुत अच्छा सूट रहेगा, क्योंकि टॉय हल्क बस्टर का सूट है, शिनचैन को इसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगी। पिंकी भाई ये देखो, मैंने तो ये सूट पहन लिया। अरे हाँ शिनचैन यार, तेरे को तो बल्ले बल्ले हो गए, तू तो यार एक आयरन मैन हल्क बन चुका, मतलब हल्क बस्टर बन चुका है तू। हाँ पिंकी भाई ये देखो, सूट कितना तगड़ा है, यहाँ पे देखो कितने बढ़िया बढ़िया, इसमें तो है ना कंप्यूटर भी लगे हुए अंदर। हाँ शिनचैन यार, बड़े बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर तो लगे हुए ही है। पिंकी भाई देखो और कितने बढ़िया बढ़िया अटैक भी कर सकता हूँ मैं तो। अरे हाँ शिनचैन, ये वाला सूट तो है ना हल्क को हराने के लिए बनाया गया, इसमें से देखो गाइस, पीछे से 2 रिपल्सर, हाथ में से 2 रिपल्सर, सब जगह से रिपल्सर ही रिपल्सर निकल रहे। तो मैं तो टोनी स्टार्क की बर्थडे पार्टी में उनके लिए गिफ्ट लेकर आया, इसके लिए देखो मेरे को तो कितना फायदा हो गया। और टाइटन गॉड कैसे हो, चलो यार इधर जब जाके देखते दूसरे लोगों को कैसा रिटर्न गिफ्ट मिलता है। गाइस ये देखो शिनचैन को तो यहाँ पे ना एक रिटर्न गिफ्ट मिल चुका है, अब टोनी भैया मेरी बारी क्या रिटर्न गिफ्ट के लिए? अरे नहीं फ्रैंकलिन तेरी बारी कैसे, तू तो गिफ्ट भी नहीं लेकर आया, मैं अभी छोटा भीम की शक्ति को दूंगा नेक्स्ट गिफ्ट, तो अपनी टर्न का वेट कर, बार बार मेरे को परेशान मत करना। अरे हाँ हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो गाइस, ठीक है यार, ये अभी टोनी स्टार्क मुझे बाद में गिफ्ट देने का बोल रहा है। अरे भीम की शक्ति धूम मचाने आ जाओ, ये देखो तुम्हारा भी रिटर्न गिफ्ट मैंने निकाल लिया, 3-हेडेड वाला भीम हल्क बस्टर का सूट। पिंकी भाई ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। अरे भीम की शक्ति तो धूम मचाती, अब तो मेरे को कोई भी टिक नहीं पाएगा मेरे सामने। पिंकी भाई देखो, भीम को तो कितना मस्त 3-हेड वाला सूट मिल चुका है। अरे ये क्या हो गया यार, ये सूट से तो मैं चलाना नहीं पा रहा यार, मैं तो बार बार गिर जा रहा हूँ। पिंकी भाई कोई बात नहीं, देखो यार तुमको भी ऐसा सूट मिलेगा। अरे हाँ गाइस ये देखो यार, ये छोटा भीम को तो क्या सूट मिला। अरे कीड़े तू तो कितना ज्यादा तेज दौड़ रहा है। अरे हाँ भीम की शक्ति को तो धूम मचाने मजा आ रही है, ढोलकपुर का मैं सबसे ज्यादा खतरनाक अब तो लड़ाका बच जाऊंगा। अरे यार भीम पहले से इतना स्ट्रांग था, और अभी देखो उसको इतना खतरनाक यार छोटा भीम का सूट दे दिया, वो भी 3-हेड वाला, और इसमें इतने खतरनाक हल्क बस्टर का आर्मर भी लगा हुआ है, और ये तो देखो क्या तेज दौड़ रहा है यार। भीम देर को उड़ना नहीं आता क्या, हल्क बस्टर का सूट है उड़ के बता। और भीम की शक्ति धूम धरती पे मचाती है, उड़ने का मुझे मजा नहीं आता, ये देखो जब इतने तगड़े जंप मार सकता हूँ मैं, तब मुझे उड़ने की क्या जरूरत है। अरे हाँ गाइस बात तो सही है, देखो स्टाइलिश तो लग रहा है एकदम छोटा भीम, देखो सब जगह जंप कर करके जा रहा है। ओए हो
होए ये देखो ये भी यहाँ पे आ गया यार। इन लोगों को सबको इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट दिया, मुझे भी अच्छा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, मजा आ जाएगी। चलो गाइज। अरे नहीं फ्रैंकलिन, अभी भी तेरी बारी नहीं है। अभी मेरे सबसे प्यारे भाई लिटिल सिंघम को मैं गिफ्ट दूंगा उसका सूट, ये देखो भीम की शक्ति की तरह। इसके लिए भी मैं थ्री हेडेड लिटिल सिंघम वाला हल्क बस्टर सूट लेकर आया हूँ। अरे हुड़ दबंग, ये वाले सूट के बाद तो अब मैं सबसे ज्यादा अच्छा पुलिस कमिश्नर बन जाऊंगा। अरे ये देखो यार मेरे पास तो कैसी पावर है, टोनी स्टार की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, मैं तो खुद को गायब कर सकता हूँ। अरे वाह गाइस, ये देखो यार ये है ना लिटिल सिंघम ने क्या किया भाई, खुद को गायब कर लिया। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो, अब तो मैं तुम्हारी सारी चीजें चुरा लूंगा, कहाँ पे खड़ा हूँ दिख रहा हूँ क्या? अरे नहीं नहीं दिखी नहीं ना, कहाँ गया? अरे मैं तो एकदम तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई यार, इनविजिबल होने वाली पावर मिल गई मुझे तो। ये देखो फ्रैंकलिन भैया गायब हो गया। अरे कहाँ गया? अरे मुझे तो दिखी नहीं रहा, अरे मेरे सामने आ गया लिटिल सिंघम तो। अरे ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करके मैं सारे चोरों को पकड़ लूंगा, मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा, अरे मजा आ जाएगी मुझे तो। चलो यार बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिया टोनी सर ने तो। अरे सब लोगों को मेरे रिटर्न गिफ्ट अच्छे लग रहे ना? अरे टोनी सर मेरा गिफ्ट। अरे फ्रैंकलिन यार पहले मैं अभी एक और जन को गिफ्ट दूंगा फिर तुझे गिफ्ट देता हूँ। ठीक है। मतलब यार एक जन के बाद मेरी बारी आएगी, मुझे मेरा हल्क बस्टर का सूट मिलेगा ना? हाँ फ्रैंकलिन देख यार, अभी यहाँ पे ये जो तीन जन खड़े हैं इनको मैं सूट दे दूँ फिर तुझे देता हूँ। ये देखो इन तीनों के सूट भी यहाँ पे ले आए। अरे पर अभी तो एक जन बोला था ना यार। अरे फ्रैंकलिन पर सब जनों को साथ में दे रहा हूँ तो एक ही काउंट होगा ना। अरे यार ये तो चीटिंग है। हे फ्रैंकलिन, टोनी भैया की पार्टी है, वो जैसे चाहे वैसे गिफ्ट दे सकते हैं। अरे हाँ किड़े, तू बीच में क्यों बोल रहा है, तेरी बर्थडे पार्टी थोड़ी है। अरे हाँ इसके लिए फ्रैंकलिन को हम बुलाना अच्छा नहीं लगता। अरे इसको बुलाया किसने? अरे नहीं नहीं ऐसे मत बोलो यार गाइस, ठीक है चलो दे दो उसके बाद मुझे दे देना यार, तो जो भी टीचा हो ऐसा कर देना। अरे हाँ ठीक है क्रिश यार, देखो तुम्हारे लिए मैं ये तगड़ा ब्लैक कलर का ब्लैक आयरन मैन हल्क बस्टर सूट लेकर आया, फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले, तुम्हारा सर इधर उधर थोड़ा सा रहता है ना, इसके लिए मैं तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग वाला पूरे रीइंफोर्स्ड स्टील का ये जायंट साइज का हल्क बस्टर दे रहा हूँ। और यार ये बुढ़े दद्दू के लिए ये नया सूट है जिसके अंदर इनको पूरे अपग्रेड्स मिल जाएंगे। अरे वाह टोनी स्टार्क, सबके लिए चुन चुन के रिटर्न गिफ्ट बनाए तुमने। अरे फ्रैंकलिन सब जन मेरे लिए चुन चुन की गिफ्ट लेकर आए तो मैं उनके लिए चुन चुन के लिए रिटर्न गिफ्ट भी तो दूंगा ना। अरे सबसे पहले गिफ्ट मैं लूंगा। अरे वाह मेरे को तो ये सूट में जाके मेरे जवानी वाले दिन याद आ गए। अरे वाह क्या दौड़ पा रहा हूँ मैं तो। अरे यार ये देखो गाइस यार, ये दद्दू को भी सूट मिल गया, तो इतने बुढ़े दद्दू थे वो भी ये सूट की मदद से कैसे भाग पा रहे? अरे फ्रैंकलिन सिर्फ भाग नहीं पा रहा, ये देख, अरे बाप रे मैं तो क्या फाइटिंग भी कर पा रहा हूँ ये सूट का मदद लेके। अरे हाँ गाइस यार सूट की मदद से फाइटिंग भी बहुत तगड़ी कर पा रहे, और ये दद्दू थे तुमने देखा ही था ना कितने ज्यादा बूढ़े थे। अरे फ्रैंकलिन मैं बहुत चीजें कर सकता हूँ, और मेरी पावर देखेगा तू, ये देख ये सूट की स्पेशल पावर, मेरी पावर और सूट की पावर मिला के मैं एक ड्रैगन स्ट्राइक बना सकता हूँ। अरे वाह गाइस ये देखो यार, ये दद्दू हल्क ने क्या बनाया यार, पूरा एक ड्रैगन बना लिया। अरे हाँ यार बहुत ही मजा आ गई ना मेरी पावर देख कर, थैंक यू टोनी भैया ये वाली पावर देने के लिए। अरे यार दद्दू हल्क तुम तो इतने सालों से मेरे को है ना खिला रहे हो पिला रहे हो बड़ा कर रहे हो, और तो इतने सारे मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए, इसके लिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दूं। गाइस यार ये देखो सबको बढ़िया सूट मिल रहे, मजा आने वाली है। आयला ऐसा गिफ्ट तो मुझे जादू ने भी कभी नहीं दिया, ये देखो मेरा हल्क बस्टर तो ब्लैक कलर का है, आज तक भी किसी ने भी ब्लैक हल्क बस्टर देखा ही नहीं होगा। अरे मैंने देखा है। अरे फ्रैंकली जाना तेरे से कौन बात कर रहा है, ये देखो ब्लैक कलर का हल्क बस्टर कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, एकदम यूनिक लगूंगा मैं तो। अरे वाह ये देखो मैंने मेरी पावर चार्ज चालू कर ली, और ये बार तो देखो मेरे पास तो ये वाले सूट में लाइटनिंग की पावर्स है। अरे लाइटनिंग की पावर्स है? अरे हाँ ये देखो थॉर की पावर्स फ्रैंकलिन भैया मेरे को तो दे दी है टोनी स्टार्क ने ये सूट के जरिए, मेरे पास तो कितनी तगड़ी पावर्स आ गई है। अरे गाइस ये देखो ये तो बात तो सही आ रही है ना, क्रिश को थॉर की पावर्स मिल चुकी है सूट के बदले, ये देखो कैसे वो लाइटनिंग को समन करके कैसी लाइटनिंग मार पा रहा है। हैला सच्ची मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, थैंक यू टोनी सर तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। अरे गाइस देखो टोनी को ने इसको भी अच्छा गिफ्ट दे दिया, ये भी यहाँ पे लाइन में जाके खड़ा हो रहा है। हैला फ्रैंकलिन मेरी बल्ले बल्ले तो अभी होनी बाकी है, चलो जल्दी से मैं भी मेरा सूट ले लेता हूँ। अरे वाह ये देखो मेरा हल्क बस्टर का सूट तो कितना शाइनी और खतरनाक है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे वाह गाइस जी देखो सब लोग को इतने अच्छे अच्छे सूट मिल गए, यहाँ पे देखो यार ये फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले भी लाइन में जाके खड़ा हो गया यहाँ पे। चलो मुझे मेरा गिफ्ट मिले इनसे पहले इनके सबके सूट देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो क्रिश को इतना मस्त ब्लैक कलर का थॉर की पावर वाला हल्क बस्टर सूट मिला, यहाँ पे बूढ़े दद्दू को है ना जवान दद्दू की पावर वाला सूट मिल गया, लिटिल सिंघम को थ्री हेडेड लिटिल सिंघम वाला हल्क बस्टर मिला, वैसे ही है ना भीम की शक्ति को भी थ्री हेडेड वाला भीम की शक्ति वाला खतरनाक हल्क बस्टर मिला, चिनचैन को यहाँ पे टॉय हल्क बस्टर का सूट मिला है, और ये बल्ले बल्ले को इतना मस्त या थोड़ा टॉल वाला हल्क बस्टर मिला है। टोनी स्टार्क भैया जी लाओ यार अब मेरा रिटर्न गिफ्ट लेकर आओ। अरे ये फ्रैंकलिन को तो समझ ही नहीं आता कि मैंने इसके लिए कोई भी रिटर्न गिफ्ट प्रिपेयर नहीं करा, क्योंकि ये मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया, पर अब ये बार बार मांग रहा है तो मैं सबके सामने मना करूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। रुको यार यहाँ पे नीचे जाके देखने दो कि मैं फ्रैंकलिन को कौन सा है ना हल्क बस्टर का सूट दे सकता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से हर बार यहाँ पे आ जाता है। अरे टोनी भैया कहाँ जा रहे हो,
मेरा गिफ्ट? अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन, यहाँ पे नीचे चेक कर रहा हूँ कि तेरा गिफ्ट यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा रुको, मैं भी आया। ओ गाइस, लगता है मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट रखा है टोनी भैया ने। यार यहाँ पे देखो, अंदर से निकाल के दे रहे ये सब बुद्धुओं को, तो इनका सूट तो ऐसे ही बाहर रखा हुआ था। मेरा स्पेशल सूट इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है ना कि मेरे लिए उन लोगों ने यहाँ पे अंदर रख रखा था, जिससे सूट बढ़िया से रिचार्ज हो जाए। टोनी भैया, ओ माय गॉड, क्या तुम मुझे ये वाला सूट देने वाले हो? गाइस ये देखो, ये तो कितना मस्त शाइनी कलरफुल यार हल्क का सूट है। यार इसके पास तो कितना खतरनाक हल्क बस्टर का आर्मर भी और हल्क का हेड भी यार इस पे तो। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, ये तो मेरा नया एक्सपेरिमेंटल सूट है जिसमें मैंने हल्क और हल्क बस्टर की पावर एकदम अच्छे से कंपेयर करके उनको ज्वाइंट कर दिया है। तो ये वाला सूट नहीं ले सकता, ये तो अभी एक्सपेरिमेंटल सूट है। अच्छा ये नहीं ले सकता, ठीक है चलो कोई बात नहीं यार, ये वाला हल्क वाला सूट दे दो यार, ये भी तो कितना तगड़ा लग रहा है। ओहो इसके तो हेयर भी एकदम स्पाइकी है, इसके तो मस्त आर्मर वार्मर भी एकदम तगड़ा लग रहा है, मजा आ जाएगी यार। ये वाला सूट मिल जाएगा तो भी चलेगा, यही ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, वो वाला सूट है ना बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है यार, इसका आर्मर मुझे रिप्लेस करना है, पुराने जमाने वाला सूट है। ये वाला आर्मर भी तू नहीं ले सकता यार, ये अच्छा नहीं है, तू कोई और सूट देख ले। अच्छा और कोई हल्क बस्टर का सूट यार उसके अलावा? यहाँ तो सिर्फ आयरन मैन के सूट पड़े यार। चलो ये फ्रैंकलिन को हिंट समझ आ जाएगी कि मैंने इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है। अरे यार ठीक है, अच्छा अच्छा मैं समझ गया टोनी स्टार्क, तुम बोल रहे हो कि मैं नीचे जाके तुम्हारे से सूट ले लो। अरे नहीं नहीं, नीचे तो मेरे सीक्रेट सूट पड़े। अरे वाह, सीक्रेट सूट में से मुझे एक सूट गिफ्ट दोगे? अरे वाह गाइस ये देखो, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाओ, ये वाला सूट मुझे गिफ्ट में मिल रहा है, रिटर्न गिफ्ट में। ये देखो कितना ज्यादा बड़ा और तगड़ा है यार, कितना मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन को रोकना पड़ेगा, वरना वो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट ले लेगा। अरे मजा आ गई, थैंक यू टोनी भैया। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन रुको, मैं तुम्हारे लिए वो वाला सूट नहीं एक दूसरा वाला सूट लेकर आया हूँ। अरे क्या दूसरा वाला सूट? हाँ हाँ, ये तो मेरा पर्सनल सूट है फ्रैंकलिन, जो मैं ये मेरे आयरन मैन सूट के ऊपर पहनता हूँ, इसके लिए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाला है। तुम यहाँ पे मेरे पास ऊपर आओ यार, मैं तुम्हें एक अच्छा सा सूट देता हूँ और तुम्हें एक बहुत अच्छी मशीन से वो सूट ऑटोमेटिकली पहना भी दूंगा। क्या क्या ऐसी बात है? हाँ हाँ जल्दी से यहाँ पर ऊपर आओ मेरे पास। ओह बढ़िया बढ़िया, मजा आने वाला है, चलो अच्छा सूट मिलेगा मुझे। ओह कहाँ पे अच्छा सूट कहाँ पे रखा हुआ है टोनी भैया? अरे फ्रैंकलिन ये वाली जो मशीन है इसके बीच में जाओ, और यहाँ पे से है ना तुम जब नीचे जाओगे तो ये मशीन तुम्हें ऑटोमेटिकली एक सूट पहना देगी। अच्छा अच्छा गाइस चलो ठीक है समझ गया। ये देखो यार यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ई का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे देखो मैं हल्क बस्टर के सूट में चेंज हो गया। एक सेकंड गाइस, ये देखो मुझे टेक्निकली तो हल्क बस्टर का सूट मिल गया, पर ये सूट देखो कितना छोटा यार, वो उसकी सूट की साइज का तो आधे का है। टोनी भैया ये सूट की थोड़ी हाइट कम रह गई, इसको प्रोटीन नहीं खिलाया कि कैल्शियम की कमी हो गई क्या? अरे फ्रैंकलिन नहीं नहीं, मैं तेरे लिए ये वाला सूट ही डिसाइड करके रखा था यार। अरे यार ये सूट नहीं थोड़ा अच्छा सूट हो ना फ्रैंकलिन? एक तो तू मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर आया, उसके बाद तुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए, मैं ये भी ले लूं क्या तुझसे? अरे नहीं 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 गाइस, यहाँ से भागना पड़ेगा यार। पर देखो यार ये है ना, टोनी स्टार्क ने तो मुझे इतना छोटा सा सूट दिया, बाकी सब लोगों को तो देखो यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया सूट दिए यार इन लोगों को तो, और मेरे को ऐसा सूट दिया। पिंकी भैया तुम्हारा सूट तो देखो मेरे टॉय हल्क बस्टर से भी कितना ज्यादा छोटा है। अबे शिनचैन चुप हो जाए, और लिटिल सिंघम का सूट तो गायब होता, तेरा सूट क्या करता है? ये देखो। अरे मेरा सूट तो कुछ भी नहीं करता। अरे फ्रैंकलिन ये वाले सूट पे मैंने ना एनर्जी कोर नहीं लगा रखा, इसके लिए इसके अंदर कोई पावर नहीं है। अरे हाँ गाइस ये देखो, तुमने देखा? ये देखो यार मेरा जो सूट है ना, इसमें है ना जो यहाँ पे सेंटर में जो ब्लू कलर का ग्लो होता है वही नहीं है। ये देखो इन सब लोगों के सूट में, क्रिश के अंदर भी ये वाला देखो एनर्जी कोर लगा रखा है, यहाँ पे दद्दू हल्क में भी लगा रखा है, लिटिल सिंघम में भी लगा रखा है, क्रिश में भी लगा रखा है, सब जनों में लगा रखा है, शिनचैन में भी लगा रखा है, पर मेरे सूट में तो एनर्जी कोर ही नहीं है, तो ये सूट मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। अरे फ्रैंकलिन एनर्जी कोर फ्री में थोड़ी आता है, और तुम तो मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आए। और मजा आ गई यार, शिनचैन को भी सूट मिल गया, सबको भी सूट मिल गया, पर फ्रैंकलिन को सूट नहीं मिला। हैला फ्रैंकलिन को तो खाली फोकट का हल्क बस्टर का सूट पहना दिया, इसका सूट कुछ कर ही नहीं सकता। और हाँ हाँ बहुत मजा आ गई यार, भीम की शक्ति को तो, और लिटिल सिंघम को मजा आ गई, मुझे भी बहुत मजा आ गई। गाइस ये देखो ये सब जन मेरा मजाक उड़ा रहे। अरे मुझे नहीं पता था टोनी स्टार्क के लिए भी गिफ्ट लेकर आना है, अगर मुझे पता होता तो यार मैं गिफ्ट लेकर आई जाता, पर गाइस मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा यार ये टोनी स्टार्क और इन सब लोगों से, मैं मेरा हल्क बस्टर का सूट आज लेके ही जाऊंगा। ये देखो यार भले अभी मुझे टोनी यहाँ पे ना सूट नहीं दे रहा, पर मैं यहाँ पे ही छुप जाता हूँ, यहाँ पे इन सब लोग को तो लग रहा है कि मैं चला गया हूँ, पर मैं यहाँ पे है ना छुप जाऊंगा जब तक रात नहीं होगी। और नीचे तुमने है ना, मैंने देखो लैब में सब कुछ देख लिया है कि कौन सा सूट किधर रखा हुआ है, तो मैं जल्दी से वहाँ पे से जाके एक सूट खुद के लिए ले लूंगा एज अ रिटर्न गिफ्ट, चोरी नहीं करूंगा, रिटर्न गिफ्ट की तरह लूंगा। अरे चलो ये फ्रैंकलिन की आफत तो चली गई, एक काम करता हूँ ये वाले सूट को मैं लॉक कर देता हूँ जिससे कोई भी इसे यूज ना कर पाए, और जो नीचे मेरा फेवरेट वाला सूट है मैं उसका भी दरवाजा लॉक कर देता हूँ जिससे फ्रैंकलिन कुछ है ना कर ना पाए। ये देखो यहाँ पे ये वाले सूट को भी मैंने लॉक कर दिया है, और वैसे भी इसके दरवाजे भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। ये देखो दरवाजे भी क्लोज हो चुके हैं, और यहाँ पे आयरन मैन के सूट में तो टोनी के इंटरेस्टेड है नहीं फ्रैंकलिन, और ये वाला जो सूट है ये तो एकदम गंदा सूट है, इसका तो चोरी करके भी फ्रैंकलिन क्या ही करेगा। चलो सब जन यार अपने
है ना कहीं पे घूमने चलते हैं। अरे हाँ हाँ लिटिल सिंघम को भी घूमने चलना है। गाइस ये देखो सब जन तो यार ये घूमने जा रहे, मुझे तो घूमने भी नहीं बुलाया, रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिया। कोई बात नहीं गाइस, ये देखो यार मैं यहाँ पे रात तक छुपा हुआ हूँ, ये टाइटन गॉड यहाँ पे से गए नहीं है। पर यार रात को तो टाइटन गॉड सो जाते, पर रात को देखो ये सब जन कैसे ग्लो करते गाइस, इनके अंदर की जो एनर्जी रात को दिखती है ना वो दिन के टाइम नहीं दिखती। ये देखो यार ये दोनों ऑल फादर की पावर रखने वाले ब्लैक और रेड टाइटन गॉड है, वो तो क्या ही ज्यादा चमक रहे, गोल्डन गॉड का गोल्डन ग्लो और यहाँ पे दूसरे ग्रीन और ब्लू गॉड का जो व्हाइट है प्योर ग्लो आ रहा है, कितना ज्यादा तगड़ा आ रहा है। पर गाइस यार यहाँ पे मैं टाइटन गॉड्स को देखने नहीं आया, मैं तो सूट चुराने आया हूँ। यहाँ पे देखो यार अवेंजर्स मैंशन पूरा खाली है, सब जन अभी भी टोनी की बर्थडे पार्टी करने गए हुए जहाँ पे मुझे बुलाया नहीं है। पर यार मैं तो आज जाऊंगा बल्ले बल्ले, मैं तो मेरा सूट चुराऊंगा, मेरे को तो उसी से मतलब है और किसी भी चीज से मतलब ही नहीं है। चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं यहाँ पे गाइस। ओहो हो यहाँ पे देखो नीचे जा रहा हूँ। अब तो पहले तो है ना मुझे पता नहीं था सूट कहाँ पे रखे हुए, पर अब तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है ना कि सूट कहाँ पे रखे हुए, तो मेरे लिए सब चोरी वोरी करना एकदम आसान काम हो जाएगा। ये देखो चलते, अब देखो गाइस ये तो एकदम गंदा वाला सूट है, ये वाला सूट अच्छा है पर है ना वो बहुत मजेदार सूट नहीं है। तो मैं तो एक काम करता हूँ यहाँ पे नीचे से बड़ा वाला सूट लेकर आ जाता हूँ। एक सेकंड गाइस यार ये दरवाजे तो बंद है, यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रही है क्या, रेड कलर की बत्ती है वो टुई टुई हो रही है, इसका मतलब दरवाजे लॉक हो गए। अरे खुल जा भाई खुल जा सिम सिम खुल जा खुल जा खुल जा। गाइस देखो एक चीज हो सकती है, शायद अगर तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे कमेंट सेक्शन में ओपन लिखोगे ना दरवाजा खुल जाएगा। ये देखो यहाँ पे लाल बत्ती तुम्हें दिख रही होगी, टोनी स्टार यार अपना है ना लॉक करके चला गया दरवाजों को। तो जल्दी से तुम वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ओपन लिख दो, तुम लोग ऐसा करोगे ना तो शायद से दरवाजा खुल जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। कर दो यार वीडियो को लाइक कर दो अभी। चलो यार जब तक तुम लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो ना तब तक है ना मैं यहाँ पे ऊपर जाके दूसरे वाले सूट को देखता हूँ। अच्छा अच्छा यार जब तक वो वाला सूट खुल रहा है तब तक एक काम करता हूँ, यही वाला सूट ले लेता हूँ। एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, अरे यार ये सूट भी हाथ में नहीं आ रहा। गाइस लगता है ये वाला सूट भी लॉक कर रखा है टोनी स्टार्क ने। चलो कोई बात नहीं यार, ये वाला सूट लॉक कर रखा है तो मैं ये नीचे वाले सूट से ही है ना लेने चले जाता हूँ सूट को। अरे ये क्या हो गया यार, तुम लोगों ने वीडियो में कमेंट नहीं किया क्या? गाइस देखो ऐसे कमेंट नहीं करोगे तो है ना वीडियो में तो है ना ये लॉक ओपन नहीं होगा। ये देखो यार यहाँ पे साइड में से थोड़ा सा मुझे ना वो हल्क बस्टर का सूट भी दिख रहा है, तुम्हें दिखा क्या वो क्रैक में से रेड कलर का दिख रहा है? कर दो। इंट्रूडर अलर्ट, इंट्रूडर अलर्ट, कोई हमारे सूट चुराने की कोशिश कर रहा है टोनी स्टार्क। एक सेकंड ये क्या हो गया गाइस, यार यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा, जार्विस ने मुझे पकड़ लिया। हाँ फ्रैंकलिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मेरे सूट चोरी कर रहे हो। अरे नहीं 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 गाइस, चलो एक काम करता हूँ यही वाला हल्क बस्टर का सूट ले लेता हूँ। यार ये क्या है, ओपन है क्या? अरे हाँ सूट अनलॉक्ड है। चलो गाइस कोई भी ना सूट से तो एक सूट अच्छा, ये वाला सूट लेके मैं ऐसे कर लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन तुम टोनी सर का सूट चुरा के नहीं भाग सकते। अरे सूट चुराया नहीं, सिर्फ रिटर्न गिफ्ट लिया है। वैसे गाइस देखो यार मुझे लग रहा था ये वाला सूट इतना अच्छा नहीं होगा, पर यार ये वाला सूट भी काफी ज्यादा अच्छा निकला। हे फ्रैंकलिन किड़े, हम यहाँ पे सो रहे थे तो तूने हमारे नाक के नीचे से चोरी कर ली, गलत काम किया। अरे कोई गलत काम नहीं किया, तुम लोगों ने मुझे रिटर्न गिफ्ट क्यों नहीं दिया? रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगे तो मैंने खुद के लिए रिटर्न गिफ्ट ले लिया। गाइस ये देखो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, ये वाला जो हल्क है ये तो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये देखो कैसे रात में ग्लो भी हो रहा है इसका सूट, भले ना टोनी भैया ने बोला था कि इसका आर्मर थोड़ा पुराना हो गया है, पर फिर भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट। अभी देखो यार ये वाला है ना सूट मैंने इतना तो खुद से चुरा के ले लिया, अब है ना मैं एक काम कर सकता हूँ यार, खुद के सूट को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दूंगा। एक बार खुद को अपग्रेड कर लिया तो फिर मेरे को है ना वो जायंट वहाँ पे हल्क बस्टर के सूट पड़े थे वैसे भी सूट मिल सकते। तो चलो गाइस अब मुझे पता है यार ये मैंने एक सूट चुरा लिया तो बाकी के सूट की पावर्स तो मैं अपग्रेड करके खुद से ही ले लूंगा। तो चलो गाइस चलते हैं सूट को अपग्रेड करने, लेट्स गो। तो गाइस देखो यार मुझे है ना एक बहुत ही तगड़ी और एकदम बढ़िया काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। तुम बोल रहे हो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? तो गाइस देखो मैंने तुम्हें जैसा बताया कि मुझे मेरे सूट को अपग्रेड करना है, और वो सूट को अपग्रेड करने के लिए मुझे दूसरे हल्क बस्टर के सूट के पार्ट्स चाहिए होंगे। तो मुझे यार यहाँ पे खबर मिली कि टोनी स्टार्क ने अपने ये सूट को ये सेमेटरी में है ना छुपा के रख रखा है। उसने वो सूट को यहाँ पे इसके लिए छुपा रखा है कि उसको कभी भी इमरजेंसी में है ना यहाँ पे सूट की जरूरत पड़ेगी, मतलब लॉस सैंटोस के इस तरफ उसको कहीं भी सूट की जरूरत पड़ेगी तो वो ये सेमेटरी में से वो सूट को बुला सकता है। पर यार अपने को ढूंढना पड़ेगा वो सूट उसने छुपा के किधर रखा हुआ है। मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि यार वो एकदम अलग सा ही है ना टोनी स्टार्क ने अपने लिए टूम्बस्टोन बनवा रखा है। तो गाइस यहाँ पे देखो यार मैं यहाँ पे एक सर्वे ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो सारे एक जैसे ही दिख रहे, पर यार ये एक जो है ना टूम्बस्टोन है ये बहुत ही ज्यादा फैंसी लग रहा है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो नॉर्मल लोगों की जो ग्रेव है वो तो यार उस पे तो कुछ खास है ना डेकोरेशन नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि यार सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते ना। पर यहाँ पे देखो ये वाली जो ग्रेव है ये देखो यार एकदम फ्रेश लग रही है, यहाँ पे देखो टायर के ट्रैक्स भी अभी, और यहाँ पे इतना खतरनाक है ना स्टोन का स्टैचू भी, और उसके ऊपर इतनी महंगी स्टोन की ग्रेव भी लगी हुई है। रुको रुको मैं जाके देखता हूँ गाइस यार यहाँ पे है कि नहीं वो है ना अंदर सूट। अब गाइस रुको अभी यार, अरे कहाँ पे फंस गया, चलो आगे जाता हूँ। अब गाइस यार यहाँ पे देखो मुझे टूम्बस्टोन के नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा, रुको मेरे को है ना ये सूट की हीट विजन की पावर यूज करनी पड़ेगी। ये देखो मैं यहाँ पे
है ना इसका हीट विजन की पावर यूज कर रहा हूँ सूट की। यार यहाँ पे तो गाइस मुझे कोई हीट का सिग्नेचर तो नहीं मिल रहा इसके नीचे, क्या करूँ यार अभी, रुको मैं थोड़ा सा इधर से साइड में से देखने की ट्राई करता हूँ। यार देखो भले यहाँ पे ना मुझे कोई भी हीट का सिग्नेचर नहीं मिल रहा, देखो जैसे यहाँ पे ना दूर दूर है ना हीट के सिग्नेचर मिल रहे, वहाँ पे लोग है। अब यार यहाँ पे वैसे सूट में से तो हीट का सिग्नेचर नहीं आना चाहिए, पर तुम्हें वहाँ पे छोटा सा क्रैक में से दिख रहा है यार, मुझे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है। मुझे है ना ये टूमस्टोन और ग्रेवस्टोन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके लिए ना मुझे यार कुछ है ना खुदाई करने का इक्विपमेंट चाहिए होगा, तभी मैं इतने बड़े है ना पत्थरों को हटा पाऊंगा। रुको 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 गाइस, यार मुझे पता है मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा, ये दो बड़े जेसीबी और इनको हटाने के लिए जेसीबी, क्या इतने दोनों बड़े पत्थरों को हटाने के लिए मुझे जेसीबी चाहिए होगी। मैं जेसीबी के बारे में सोचा था तो जेसीबी बोल दिया। चलो चलो गाइस तो एक जल्दी से काम करता हूं, मैं एक जल्दी से जेसीबी लेकर आता हूं, और तुम्हें पता है जेसीबी की खुदाई कहां चल रही होती, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी से चलते बल्ले बल्ले करने कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो गाइस ये देखो मैं लॉस सैंटोस की कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया हूं। यार इतने सालों से यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पता नहीं यहां पे कंस्ट्रक्शन कब पूरा होगा। अरे हम लोग यहां पे काम करेंगे तब कंस्ट्रक्शन पूरा होगा ना, यहां पे टाइम पास करते रहते हम लोग। अरे हां हां तुम लोग टाइम पास करते रहते हो ना, तो एक काम करो यार अपनी जेसीबी मुझे दे दो। यार तुमको पता है जेसीबी कहां पे? अरे नहीं नहीं जेसीबी तो पता नहीं कहां पे, आज सुबह से आई नहीं है, मैंने तो 10 मिनट भी काम नहीं किया। चलो फोन में कैंडी क्रश खेल लेता हूं। अरे यार इनको कैंडी क्रश खेल लिया। अरे भैया तुम्हें पता है क्या जेसीबी का है? अरे यार मैं ब्रेक पे हूं, मुझसे है ना बात मत कर। यार अभी सुबह का टाइम है, कोई भी काम नहीं कर रहा। एक सेकंड गाइस, अरे वो तो रही जेसीबी। अरे मैं फोकट में यार जेसीबी कर रहा था, ये रही जेसीबी यार। अरे एक सेकंड यार तू जेसीबी की तरफ क्यों आ रहा है? ये जेसीबी हम लोग भाड़े पे लेकर आए। अरे तुम लोग भाड़े पे लेकर आए हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ इसको। अरे नहीं 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 इसको रोको भाई, हमारी जेसीबी लेके जा रहा है। अरे एक सेकंड तो कितनी स्लो चल रही है। अरे कहाँ लेके जा रहा है? अरे जेसीबी की खुदाई रुक जाएगी, हम बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? अरे बिल्डिंग तो तुम वैसे भी नहीं बना रहे हो। अरे नहीं ये चोरी कर रहा है हमारी जेसीबी को, कोई हमारी जेसीबी को बचाओ। अरे जेसीबी को बचाने की जरूरत नहीं, मैं मेरी खुदाई करके तुमको वापस दे दूंगा जेसीबी। अरे क्या कर रहा है पागल आदमी, जेसीबी रोड पे क्यों लेकर आ गया, खुदाई करने लेके जा रहा है, बाप रे सब जगह ठोक रहा है। अरे गाइस इसको थोड़ा चलाने में मुश्किल हो रही है, एकदम धीमे धीमे चल रही है। चलो कोई बात नहीं चलते। ओ गाइस ये देखो यार इसका जो ऊपर वाला आगे वाला फावड़ा है वो तो कैसे मस्त में ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ। अरे इसको एक्सेलेटर देता हूं तो झटका मार के एकदम से आगे चली जाती है। चलो कोई बात नहीं गाइस जल्दी से मैं इसको यहाँ पे ग्रेवयार्ड पे लेके चलता हूँ इसकी खुदाई शुरू करने के लिए। ये देखो गाइस इसको यहाँ तक है ना मैं ग्रेवयार्ड तक लेकर आ गया। अब इसको मुझे एकदम बढ़िया से अंदर लेके जाना पड़ेगा। यार इसकी स्पीड इतनी कम क्यों है गाइस? अरे यार कोई बात नहीं इसको धीमे धीमे यहाँ पे लेके जाऊंगा। अरे बाबा रे उड़ा देगा क्या मुझे जेसीबी से? अरे आंटी सामने बताओ। अरे बचा लिया। अरे तूने तो वो आंटी को उड़ा दिया यार। अरे नहीं उड़ाया बचा लिया। अरे तुम क्या कर रहे हो हमारे ग्रेवयार्ड में? अरे कुछ नहीं यहाँ पे मेरे को टोनी स्टार्क ने भेजा उसका सूट निकालने के लिए। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है निकाल दो। गाइस ये देखो मैं तो झूठ बोल दिया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं यार अपने जेसीबी को तो लेकर आ गए, अभी यहाँ पे से मेरे को जाना पड़ेगा। अरे बाप रे यार ये फंसनी नहीं चाहिए। अब देखो सबसे पहले मुझे ऊपर वाली जो मूर्ति है ना उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए ना मुझे जेसीबी को एकदम ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अरे इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती क्या? नहीं जाती है। देखो यहाँ तक मैं लेके जाऊंगा इसको, और यहाँ पे देखो इससे धक्का मार के नीचे गिरा दूंगा। ओए नीचे गिर गई। अब देखो थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा, अब ये जो वाला जो ग्रेवस्टोन है इसको करना पड़ेगा। इसके लिए भी एकदम बढ़िया से मैं इसको लाइन कर देता हूँ। हाँ हो गया। अभी देखो जब ये आगे की तरफ जाएगा तो मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और ये देखो ये भी हट गया। और ओ गाइस ये देखो वो दोनों पत्थर हट गए। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा? देखो यार मेरा शक सही था, यहाँ पे तो एक टोनी स्टार्क का हिडन सूट है। जल्दी से मैं इसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। ओ गाइस ये देखो यार ये हल्कबस्टर की पावर्स तो कितनी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ। ये देखो मैंने इसके अंदर का पूरा सिस्टम भी चालू कर लिया। यहाँ पे देखो मेरी स्पीड, हेल्थ, आर्मर सब कुछ आ रही है। यहाँ पे रुको ये आंटी को करता हूँ। ओए होए होए ये आंटी को तो क्या लेजर मार दी। अरे बूढ़ी को लेजर मार के खुश हो रहा है? अरे नहीं बूढ़ी को लेजर मार के खुश नहीं हो रहा। गाइस ये देखो मेरे हाथ में यहाँ पे हथौड़े भी निकले। अरे ये किस पे टेस्ट करूँ? ये गाड़ी पे टेस्ट करता हूँ। अरे बाप रे इतनी भारी मस्टैंग को देखो मैंने क्या उड़ा दिया। अरे ये हल्क तो पागल हो गया है ना बाबा। अरे पागल नहीं हुआ गाइस यार, मेरे को तो बस ये पावर्स को टेस्ट करना है। अरे बाप रे ये आंटी को तो मैंने 6 मार के उड़ा दिया। रुक जाओ ये लायन का बच्चा, इसको भी मैं 6 मार के उड़ा दूंगा। अंकल इधर आ तुमको भी 6 मारूंगा। अरे बाप रे इनको तो लेजर भी मार दी। रुक जाओ गाइस एक दूसरी चीज ट्राई करते। ये देखो ये हेलीकॉप्टर के पास जाता हूँ, हेलीकॉप्टर नहीं आई मीन प्लेन के पास, और इसको लेजर मार के गिराने की ट्राई करता हूँ। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है। अरे क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन तो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। गाइस ये देखो इतनी बड़ी पूरी बोइंग को मैंने गिरा दिया। भाई मेरे से ज्यादा खतरनाक और ओपी तो कोई नहीं है। चलो गाइस ये देखो अभी यार ये वाला सूट मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा तगड़ा और खतरनाक है, पर अपने को और भी तगड़ा और खतरनाक सूट चाहिए ना। ये तो एक नॉर्मल हल्कबस्टर है, एक बड़ा वाला हल्कबस्टर का सूट चाहिए ना, उसके लिए मुझे थोड़े से और हल्कबस्टर के पार्ट चाहिए होंगे। चलो मुझे पता है वो कहाँ पे मिल जाएंगे, लेट्स गो। ओ गाइस तो देखो यार मेरे को है ना और पार्ट चाहिए आयरन मैन सूट के लिए अपने। तो यार यहाँ पे देखो मैं जंकयार्ड पर आ गया हूँ। देखो तुम्हें पता है टोनी स्टार्क खुद के लिए बहुत सारे सूट्स बनाता है, पर अब देखो जो भी सारे सूट बनाते हैं ना सारे सक्सेसफुल नहीं होते, उनमें से कोई सूट फेल
फेल हो जाते तब वो टोनी स्टार्क फेल वाले सूट तो रख नहीं सकता ना, तो वो फेल वाले सूट को है ना इधर जंक यार्ड पे स्क्रैप करने भेज देता है। अब यार यहाँ पे देखो ये जो स्क्रैप करने वाले सूट है ये कोई ऐसे खास काम के नहीं होते, पर मैं इन सूट में से थोड़े थोड़े पार्ट तो निकाल के खुद को अपग्रेड कर ही सकता हूँ। यहाँ पे चलो यार यहाँ पे ये ओनर से बात करते हैं। हेलो जी हेलो। अरे तो टोनी की कंपनी से आया है क्या? अरे क्यों क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं टोनी स्टार की कंपनी से आया? अरे भाई तूने घसघिसा पिटा आयरन मैन का सूट पहन रखा है ना और तेरे पास है हल्क की बॉडी भी है, तो यार तेरे पास तो मतलब हल्क बस्टर का सूट हुआ। काफी महंगे आते हैं हल्क बस्टर के सूट। अरे हाँ हाँ महंगे तो काफी आते हैं। अरे यार टोनी सर ने कैसा स्क्रैप वाले सूट भेजे यार, हम इनको तोड़ ही नहीं पा रहे, इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का क्यों बनाते हो सूट को? अरे भाई टोनी स्टार कमजोर क्वालिटी के सूट बनाएगा तो कैसे चलेगा, कैसी बात करो, पर क्या बोल रहे हो? अरे ये देखो नया स्टॉक आया यार, टोनी स्टार्क ने आज सुबह हमको नए सूट भेजे स्क्रैप करने के लिए। ये देखो ये सूट को हमने काट काट के बहुत कोशिश कर ली पर ये सूट टूट ही नहीं रहे, इनको स्क्रैप कैसे करेंगे? अरे गाइस यार ये देखो बात तो सही है, टोनी स्टार्क जो अपने सूट बनाता है बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ये लोग तोड़ के उसको स्क्रैप ही नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा चलो अपने एक डील करते, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे टोनी स्टार्क के जो सूट है उनको तोड़ दूंगा मतलब स्क्रैप कर दूंगा, पर हर सूट में से मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स रखूंगा खुद को अपग्रेड करने के लिए, तो मेरा थोड़ा सा काम भी हो जाएगा अपग्रेड होने का और तुम्हारे सूट को है ना स्क्रैप करने का भी काम हो जाएगा। अरे ठीक है चल यार तू मेरे सारे सूट तोड़ दे। ये देखिए मेरा पहला सूट है जो टोनी मुझे देके गया था, ये है ना भीम हल्कबस्टर का सूट है, पर यार ये सूट के में कोई खराबी हो गई थी इसके लिए इसका पूरा कलर खराब हो गया। अरे हाँ गाइस ये देखो यार ये है ना भीम हल्कबस्टर का सूट जैसा गिफ्ट में अपने सुबह ही देखा टोनी स्टार्क ने भीम को दिया, उसका कोई छोटा वर्जन है, इसमें है ना सूट में थोड़ी सी तकलीफ हो गई है। कोई बात नहीं अभी मैं इसको तोड़ दूंगा, ये देखो मैंने मेरे हाथ में पाना पकड़ ले लिया, ये सूट को तो मैं करके तोड़ देता। अरे क्या कर रहा है भाई ढंग से कर। अरे हाँ हाँ अंकल गलती से हो गया, रुको गाइस सूट को तोड़ना, ये देखो ये तोड़ना चालू किया, ये हमारा माल फंक्शन सूट में माल फंक्शन। अरे कोई बात नहीं माल फंक्शन तो होता रहेगा, ये देखो ये सूट को पूरा तोड़ना चालू कर देता हूँ मैं। अरे वाह 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 तूने तो ये सूट क्या दोनों हाथ वाथ काट पीट के अलग कर दिए। हाँ हाँ देखो गाइस ये सूट क्या है ना मैंने तोड़ दिया और इसके हाथ थे वो मैंने ले लिए। अभी चलो नेक्स्ट सूट की तरफ चलते, ये देखो भीम का सूट तो जल्दी से टूट गया। यार ये कैसा सूट है यार? अच्छा गाइस ये एक टॉय हल्क का सूट है, तो मतलब टोनी स्टार्क ने जो है ना शिनचैन को सूट दिया उसका पुराना वर्जन है। कोई बात नहीं इसको भी जल्दी से तोड़ देंगे, ये देखो ये तो टॉय हल्क था ना इसको एक ही बार बुड्ढी पे मारा टूट जाएगा, इधर आ तेरे को भी पूरा तोड़ दो। अरे वाह वाह भैया तुम तो यार हल्क के सूट तोड़ने के एक्सपर्ट हो यार, टोनी स्टार्क के वहाँ पे नौकरी छोड़ के मेरे यहाँ काम करने लग जाओ। अरे कोई बात नहीं यार अपने देखते हैं वो उसके लिए। तो ये देखो गाइस दो सूट तोड़ दिए, इसके मैंने पैंट ले ली। अभी देखो ये नेक्स्ट सूट के जाते, यार ये कैसा अजीब सा सूट है यार, ये तो एकदम ही पूरा फॉल्टी सूट लग रहा है। मेरे को तो लगता है दद्दू हल्क को जो सूट बना के दिया ना टोनी स्टार्क ने उसका यार ये कोई पुराना वर्जन था, ये तो पूरा ही खराब हो गया गाइस ऊपर से नीचे तक, क्योंकि देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसका कौन सा अच्छा पार्ट मिलेगा? रुको गाइस चलो इसको तोड़ के देखते हैं। ये देखो इसको तोड़ना चालू किया। अरे बाप रे तो टूट भी नहीं रहा ढंग से भाई, एकदम खराब सूट है भाई, क्या कर रहा है, टूट जा भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ ये तो, इसको छोड़ूंगा नहीं। ये ले और ये ले और ये ले और ये ले, पूरा टूट जाएगा नहीं ना तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे वाह 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 व्हाट अ स्ट्रेंथ है यार तूने, इसकी भी देखो हाथ ले लिए। अरे हाँ हाँ वो हाथ के पार्ट्स का इस्तेमाल करके मैं कुछ और बॉडी बना लूंगा। गाइज ये देखो यहाँ पे तीन सूट तो तोड़ लिए, मेरे को काफी सारे पार्ट मिल गए, अब मुझे बस एक और सूट तोड़ के पार्ट लेने। ये देखो उसके लिए यहाँ पे ये वाला सूट है यार ये, अरे ये सूट तो देखो ग्लिच हो रहा है, अभी गिरा था वापस खड़ा हो गया, मुझे लगता है ये तो यार वो है ना थ्री हेडेड क्रिश का सूट है, इस पे टोनी स्टार्क ने वापस देखो कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करने की ट्राई करी होगी, पर यार इसमें सब गड़बड़ हो गई, हल्क और हल्कबस्टर की पावर ढंग से ज्वाइन नहीं हुई, क्योंकि तुम देख सकते हो कहीं कहीं पे हल्कबस्टर का रेड है, कहीं पे है ना हल्क का ग्रीन है, और यार यहाँ पे क्रिश की मुंडिया तो तुम्हें दिख रही है, मुझे नहीं पता अच्छे से दिख रही होगी नहीं, पर अगर मैं इसको भी तोड़ दूंगा फिर इसके भी पार्ट्स एब्जॉर्ब कर लूंगा तो पक्का अपग्रेड हो जाऊंगा। ये देखो इसको तोड़ना चालू किया। अरे अलर्ट 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 सूट डैमेज। अरे सूट तो डैमेज हो गया ना उसको तोड़ा। अरे वाह वाह फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया काम किया, एकदम बढ़िया से इसको भी तोड़ दे तू। अरे हाँ हाँ एकदम बढ़िया से तोड़ रहा हूँ, देखो इसके भी मैं पार्ट्स लेके खुद को अपग्रेड कर रहा हूँ। अरे वाह वाह ये देख बच्चे तूने तो खुद को अपग्रेड कर भी लिया। अरे हाँ गाइस ये देखो ये चारों के पार्ट्स जॉइंट करके मैंने खुद के लिए बड़ा वाला हल्कबस्टर वाला सूट बना लिया जैसा टोनी स्टार्क ने खुद के पर्सनल कलेक्शन में रख रखा था। ये देखो मैंने इसके कंप्यूटर चालू कर लिए, कितने ज्यादा एडवांस कंप्यूटर है, इसमें तो सब चीज का सूट का डायग्नोस्टिक भी है, ईकेजी ईजी ऑफिस स्पीड वीड सब कुछ आ रही है। ओ गाइस ये देखो मैं तो ये सूट में उड़ भी सकता हूँ। अरे फ्रैंकलिन टोनी स्टार्क बोल रहा हूँ। अरे टोनी भैया तुम बोल रहे हो? मैं देख रहा हूँ यार तू क्या कर रहा है, तूने यार बहुत सारी जगह से चोरी चकारी करके
सूट ले लिए मेरे, पर मैं एक चीज नोटिस करी, तूने खुद की मेहनत से भी सूट को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। अरे हाँ हाँ, खुद की मेहनत तो मैंने बहुत सारी करी है भाई, ये देखो यार इतना बड़ा सूट मिल गया है मुझे, तुमने तो मुझे इतना खराब सूट दिया था। देखो गाइस यहाँ पे हाथ में से 3 बीम निकल रही है और कमर में से 2 बीम निकल रही है, इतना स्ट्रांग हो गया। फ्रैंकलिन चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मेरे कॉम्पिटिशन में इन्वाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पे आके तुम और भी अपने सूट को अपग्रेड करके खुद को एक जायंट हल्क बस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले तो मैंने ये वाला कॉम्पिटिशन सिर्फ मेरे प्राइवेट हल्क दोस्तों के लिए रखा था, पर मैं सोच रहा तुम्हें भी यहाँ पे बुला लूँ, तुमने खुद को इतना ज्यादा अपग्रेड कर ही लिया है तो। अरे वाह गाइस, ये देखो टोनी स्टार्क पहले तो मुझे सूट नहीं देना चाहता था और अभी मेरे से इंप्रेस हो गया, क्योंकि मैंने खुद की मेहनत से ही अपने आप के लिए इतना अच्छा हल्क बस्टर का सूट बना लिया है। तो चलो गाइस मैं समझ चुका क्या करना है, अपने फटाफट से टोनी स्टार्क के कॉम्पिटिशन में जाएंगे, वहां पे ऐसे अपने लिए एक सूट लेकर आएंगे। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। गाइस ये देखो सामने जायंट हल्क बस्टर का सूट दिख रहा है। अरे मैं यहाँ पे उड़ना भूल गया ढंग से। अरे फ्रैंकलिन आ गए यहाँ पे। अरे हाँ टोनी भैया, देखो तुमने मुझे रिटर्न गिफ्ट में अच्छा हल्क बस्टर का सूट नहीं दिया, तो भी मैंने खुद की मेहनत से कितना बढ़िया हल्क बस्टर का सूट में बना लिया खुद के लिए। अरे फ्रैंकलिन, पर पहला सूट तो तुमने मेरे से चोरी किया था ना। अरे यार अब वो सब बातें भूल जाओ यार, अब अपने दोस्त बन चुके ना वापस से, तुमने मेरे को यहाँ पे बुला लिया है रैंप चैलेंज खेलने के लिए। अरे हाँ फ्रैंकलिन, बुला तो लिया है ये बढ़िया से रैंप चैलेंज के लिए, जिसको अगर तुम जीतोगे तो फिर तुम्हें ये देखो ये वाला खतरनाक जायंट हल्क बस्टर का सूट मिल जाएगा, जो मेरा सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बस्टर का सूट है। पर इसको जीतने के लिए तुम्हें ये वाला रैंप कंप्लीट करना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड है। अरे हाँ गाइस, दिख तो रहा यार ये वाला रैंप है, ये काफी ज्यादा डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड दिख भी रहा है मुझे, तो बताओ टोनी स्टार्क इसमें करना क्या है। फ्रैंकलिन देखो यार, सारे रैंप के लिए तुम्हें अच्छी अच्छी KTM डुकाटी ऐसी बाइक्स मिलती है, पर आज मैं ट्विस्ट के लिए यहाँ पे स्कूटर लेकर आया हूँ अंकल के, जो 40-50 की स्पीड से ऊपर नहीं जाते। इसके लिए चैलेंज करना एक्स्ट्रा टफ होगा, तुम्हें सबसे पहले ये स्कूटर लेने पड़ेंगे, उसके बाद आगे जाके ये वाले प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के मेन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें गोल घूमते हुए एंटीना से बचना पड़ेगा और ये छोटी छोटी ऑब्स्टिकल से बचना पड़ेगा। ध्यान रखना ये छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स भी ये छोटे छोटे स्कूटरों के लिए बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल्स हो जाती है। उसके बाद तुम्हें बॉल से बचना और ये टेढ़े मेढ़े रैंप से बच के ऊपर नीचे जाके यहाँ पे 3 स्टेप नीचे उतरना है। और ये गाइस यार ये सब स्टंट्स है ना, ये स्कूटी से तो काफी मुश्किल होने वाले। फिर उसके बाद देखो हमको ये कलरफुल रैंप लेना है और फिर इन तीनों में से एक टनल में से जाना है। हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही बोला, और ध्यान रखना अगर तुम ये एक झंडे से भी अथड़ा गए ना तो भी तुम्हारी स्कूटी डैमेज से फेल हो सकती है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये बॉल को इनके डब्बों में से बाहर निकालना है और जो पहले दो कंटेस्टेंट यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें अपनी गाड़ी चेंज करने का मौका मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और तुम्हें ये सारी चीजों को गिराते हुए यहाँ पे जंप करके फाइनली आगे पहुंचना ये वाले हल्क बस्टर के सूट तक। तो क्या तुम रेडी हो ये वाले चैलेंज के लिए? अरे गाइस ये देखो एकदम कलरफुल और एकदम बढ़िया सा चैलेंज है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको खेलने के लिए। हाँ हाँ हम ये चैलेंज को शुरू करने वाले, तो अभी तक भी बच्चे तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरा हैप्पी बर्थडे तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे टोनी या हैप्पी बर्थडे आयरन मैन लिख दो। हाँ हाँ सब जन हैप्पी बर्थडे कर दो यार। अरे मैं ही जीतूंगा, मेरा नाम है ग्रीन हल्क बस्टर और सब जन टोनी भैया को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल दो। और नो नो, आई विल विन, आई एम इगोर स्ट्रॉन्ग टोनी स्टार्क सूट। नहीं नहीं मैं जीतूंगा, मैं सिल्वर कलर का सूट हूँ। अरे तुम सब मेरे सामने एकदम बच्चे हो। अरे फ्रैंकलिन सिर्फ साइज से बात नहीं बनती, चलो अभी ये बात तो पता चल जाएगी। मुझे ग्रीन वाले हल्क ने हैप्पी बर्थडे पहले बोला, इसके लिए मैं इसको पहले जाने दूंगा। यू गो। अरे मजा आ गए, टोनी स्टार्क को हैप्पी बर्थडे बोला। ये देखो मैं ग्रीन कलर का हल्क बस्टर का सूट हूँ, ग्रीन असली हल्क का कलर है, इसके लिए ये वाला हल्क बस्टर का सूट बढ़िया है। यहाँ पे मैं एकदम आराम आराम से जाऊंगा। गाइस ये देखो थोड़ा ज्यादा ही आराम से नहीं जा रहा। अरे एकदम आराम से जाऊंगा तभी तो मैं आउट नहीं होऊंगा। अरे पर यार ये रैंप चैलेंज में मजा भी तो आना चाहिए ना, तू इतना धीमे धीमे जाएगा तो कैसे मजा आएगा? अरे नहीं मजा आएगा, सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट ड्राइविंग, रफ ड्राइविंग करना गलत बात होती है। अरे हाँ गाइस जैसे तो बात सही है, रफ ड्राइविंग करना गलत बात होती है, पर इतनी भी ज्यादा सेफ ड्राइविंग करो कि यार है ना तुमको है ना बोरियत से तुम्हारी मौत हो जाए तो कैसे चलेगा? अरे हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। ये देखो मैं थोड़े मजे के लिए यार यहाँ पे ऐसे है ना स्टंट मार के बताऊंगा तुम्हें। वी हू। अरे ये क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सेलरेटर खींच दिया और ये स्कूटर ने तो एकदम से पिकअप लेके मेरे को भारी फेंक दिया। अरे बाबा मेरा नाम इगोर है, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट हूं टोनी का, चलो चलते हैं, ये देखो क्या स्पीड में जाऊंगा मैं। हा 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 हा। अरे ये तो थोड़ा इगोर थोड़ी ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहा? हाँ ज्यादा स्पीड में तो जा रहा हूँ, मेरे सूट के थ्रस्टर्स ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अरे नहीं भाई वो बेचारी छोटी सी स्कूटी है, इतनी ज्यादा स्पीड में मत जा। नहीं नहीं मैं तो स्पीड में ही जाऊंगा। हा 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 हा। अरे बाबा रे कैसे उड़ उड़ के जा रहा है, ओए क्या कर रहा है भाई? अरे पर गाइस इतना आगे तक पहुंच कैसे गया, इसे तो कुछ टनल वनल कुछ भी नहीं लिया। अरे इगोर तुमने चीटिंग करी है, तुम्हें यार ये पीछे वाले स्टेप्स तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। इगोर को कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या कंप्लीट किया है क्या नहीं। अरे 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 इगोर तो नीचे
जाते जाते बचा। गाइस ये देखो, ये तो नीचे जाता ही जाता बचा। अब यार नीचे गिर जा यार। ओए कहाँ जा रहा है? ओए तू प्लेन नहीं चला रहा है, हवा में जो ऐसे चल रहा है। इगोर तो ऐसे स्कूटर चलाता है। हा 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 हा, बहुत मजा आया। अरे ये क्या हो गया, हम तो इगोर यहाँ पे नीचे गिर गया। पर कोई बात, इगोर के पास पैराशूट था, टोनी स्टार का सूट नहीं मिला तो क्या हुआ, इगोर को यार ये चीज तो मिल गई। हाँ, ये देखो इगोर इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद भी पैराशूट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो डायरेक्ट पानी में डाइव मार लेता, मुझे डर नहीं लगता। अरे गाइस ये देखो, ये वाला जो ब्लू हल्क बस्टर का सूट है ये तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे मैं ब्लू नहीं, पूरा सिल्वर का बना हुआ हूँ यार, ये बहुत महंगा। अरे पर गोल्डन तो नहीं है ना? अरे कोई बात नहीं, गोल्डन होने की जरूरत नहीं। देखो फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें गेम बताता हूँ, तुम अगर यहाँ पे टाइमिंग से खड़े रहोगे तो ये है ना सैटेलाइट तुम्हें हवा में उछालेंगे, फिर तुम्हें बहुत मजा आएगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे हाँ हाँ, ये देखो मैं तुम्हें यहाँ पे उछल के बताता हूँ अभी। वूहूहू, देखो कितना मजा आ रहा है। और यहाँ पे तुम इसको जोर से ठोकोगे तो तुम्हें कैंडी मिलेगी। क्या कैंडी मिलेगी? अरे हाँ फ्रैंकलिन, ये कैंडी की मशीन है, तुम इसको जोर से ठोकोगे तो कैंडी मिलेगी तुम्हें। अरे वाह गाइस, मेरे को तो बहुत मजा आता है स्कूटर को ठोकने में। अरे यार पर इतना ज्यादा स्कूटर को ठोक रहा है तो इसको डैमेज नहीं हो रहा? अरे नहीं नहीं, कुछ डैमेज वैमेज कुछ नहीं होता, अंबुजा सीमेंट का बना है, अपना देसी बजाज का स्कूटर है फ्रैंकलिन। मेरे ग्रैंडफादर तो इसको 10-50 साल तक चला रहे थे तो भी उसको कुछ भी नहीं होता था। अरे वाह गाइस, ये देखो यार, ये तो बहुत सही बात हो रही यार इसके लिए तो। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आ रही है। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, मेरे स्कूटर के इंजन में से कैसे धुआं निकल रहा है? अरे गाइस क्या हो गया इसके स्कूटर को? अरे फ्रैंकलिन सही कह रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा ठोक दिया। ये देखो इसका इंजन ही बंद हो गया अब तो। अरे इसका इंजन बंद हो गया, बढ़िया बात, मजा आ गई। अरे नहीं नहीं, मजाक बात नहीं की बात नहीं है। ये देखो मुझे सिर्फ इसको थोड़ा सा पैर से धक्का मार मार के ये येलो गाड़ी तक पहुंचाना है। अगर मैंने इसको यहाँ तक पहुंचा दिया ना तो फिर यार मैं गाड़ी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, अरे टोनी स्टार्क इसका स्कूटर खराब हो गया। अरे फ्रैंकलिन, पर रूल के हिसाब से अगर वो येलो गाड़ी तक पहुंच गया तो यार वो गाड़ी में बैठ सकता है। ओ गाइस ये तो देखो, मस्त टेलीपोर्टर की गाड़ी में बैठ गया, अब तो ये पक्का ये हल्क बस्टर का सूट जीत जाएगा। हाँ, मैं तो सूट जीत जाऊंगा। अरे नहीं, मैं इतनी देर से स्कूटर चला रहा था कि मैं भूल गया ये गाड़ियां तो फास्ट होती है। ओह नो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। गाइस चलो, सब जन आउट हो गए, मेरी बारी आ गई। अब मेरे को बहुत ही ज्यादा आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर गाड़ी चलाने में मैंने जल्दी करी और ये सूट मेरे को नहीं मिला ना गाइस, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। गाइस देखो यार, यहाँ पे मैं ज्यादा झूला तो नहीं खाऊंगा, पर थोड़ा सा झूला तो खाने की मेरी इच्छा है। ओहो, ये देखो सैटेलाइट से झूलने में एक्चुअली मजा तो आती है। अरे फ्रैंकलिन याद है ना, अगर ज्यादा गाड़ी को डैमेज हो जाएगा तो बंद हो जाएगी। अरे हाँ हाँ हाँ, पर एक बार तो मेरे को झूला खाने दो, एक लास्ट बार खाना। अरे लास्ट बार झूला खाने देना यार, यहाँ पे अटक उसको फंसाता हूँ। अरे यार यहाँ पे तो झूला ही खाने नहीं मिल रहा, एक काम करता हूँ यहाँ पे झूला खाता हूँ, जोर से आएगा झूला। ये वाला देखो सैटेलाइट घूम के आ रही है। गाइस देखो कैसी मस्त मेरी हवा में उड़ी थी। चलो यार अभी है ना, मैं ज्यादा झूले खाने बंद करता हूँ, क्योंकि ज्यादा झूले खाऊंगा तो मेरी है ना स्कूटी खराब हो जाएगी। अरे फ्रैंकलिन तुम्हारी स्कूटी पे काफी ज्यादा डैमेज तो लग ही गया है। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार, यहाँ पे इसको धीमे धीमे ले जाता हूँ, और वैसे भी मेरी भी अगर स्कूटी खराब हो गई तो मैं इसको पैरों से रेंगते ले जाऊंगा ना। अरे फ्रैंकलिन, पर तुम एक बात भूल चुके हो, वो जो पास वाली गाड़ी थी वो अब नहीं रही वहाँ पे, उसने वाले हल्क ने ले ली, तो अगर तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई तो मैं दूर वाले तक पहुंचना पड़ेगा। अरे हाँ गाइस, ये तो काफी प्रॉब्लम वाला बात हो जाएगा। चलो यार यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको सारे फ्लैग से बचा बचा के जानी पड़ेगी, जिससे ना मेरी स्कूटी है ना खराब ना हो जाए और भी ज्यादा। देखो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन पर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे बस आगे जाता हूँ। अरे बापरे, एक सेकंड गाइस, ये देखो सारे यार ये वाली चीजों को तो गिरा सकता हूँ ना, इनको गिराना तो बहुत ज्यादा फन है। चलो चलो इसको भी गिरा दो। अरे बापरे, बॉम्ब गिर गया उसके ऊपर से, ये तो मैंने देखा ही नहीं। पर गाइस कोई बात नहीं, ये देखो मैं ये ग्रीन वाली गाड़ी तक पहुंच गया, मतलब मैं गाड़ी के अंदर बैठ सकता हूँ। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन, बैठ सकते हो तो। गाइस देखो मैं इसे बैठ गया, इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, फुल स्पीड में इसको तो घुमा के लेके जाऊंगा। ओए होए होए, क्या देखो मैंने ड्रिफ्ट मार रहा हूँ यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन ज्यादा ड्रिफ्ट मारते तो बताए ना क्या होता है। अरे हाँ हाँ, ज्यादा ड्रिफ्ट मारते तो ज्यादा कूल बन जाते, ज्यादा कूल थोड़ी बनना, अपने को तो हल्क बस्टर बनना है। ओहो गाइस ये देखो, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। ओहो ये देखो गाइस, मैं एक जायंट हल्क बस्टर बन गया। और यार मेरे को ना रिटर्न गिफ्ट में इतना खराब सूट दिया था, उसके बदले अब देखो मैं कितना खतरनाक सूट बन चुका। और ये देखो मेरे जो कोर में से जो लेजर की बीम निकल रही है भाई, ये लेजर की बीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। अरे हाँ फ्रैंकलिन, ये स्ट्रांग तो है, पर तुम इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो फिर ये बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हो? अरे वो तो बस थोड़ा सा टेस्टिंग करने के लिए तोड़ रहा। ओहो गाइस देखो यार, मैं तो इतने खतरनाक और डेंजरस जायंट हल्क बस्टर में अब कन्वर्ट हो गया हूं। अब तुमको भी एक जायंट और खतरनाक हल्क बस्टर में अपग्रेड होना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे टोनी लिखना या हैप्पी बर्थडे आयरन मैन लिखना या सिंपल हैप्पी बर्थडे लिख दो, बर्थडे की इमोजी की केक डाल दो और कुछ भी कर दो, टोनी स्टार्क को बस थैंक यू बोलना, जिसकी मदद से अपने अपग्रेड हो गए। तो गाइस देखो, वीडियो अच्छा लगा तो ये सब करना, और स्क्रीन पे दोनों एक वीडियो आ रहे हैं, उनमें से एक वीडियो देख लो, बहुत अच्छा है। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GTA 5 अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।